फिगर में तुम्हें दे रखा है कि डी ई पैरेलल है जी एफ के, ठीक है? तो शो ये करना है हम लोगों को कि सबसे पहला पार्ट कि ये वाला जो एंगल है डी ई जी, वो इस वाले एंगल का आधा है करके, ठीक है? तो जो गिवन डाटा है उसको मैंने लिख लिया है सबसे पहले, ठीक है क्या? और दो दो एंगल बाइसेक्टर्स हैं मेरे पास, तो दो एंगल बाइसेक्टर्स जो दो एंगल क्रिएट कर रहे हैं उसको मैंने एक्स एक्स और वाई वाई भी अज्यूम कर लिया, ठीक है? अब यहाँ पर इस चीज़ को देखो ज़रा, हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है, एक तो पहली ये वाली, ठीक है, एक तो पहली ये वाली, ये एक पैरेलल लाइन है और एक ये एक पैरेलल लाइन है, और ये वाला ट्रांसवर्सल, ठीक है, ये वाला ट्रांसवर्सल। तो इसमें ये वाला जो एंगल हुआ 2x और ये वाला जो एंगल हुआ y, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है क्या? क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स हैं, ठीक? तो ये दोनों बराबर होंगे, तो इस चीज़ को थोड़ा लिख लेते हैं अपन, प्रूफ, ठीक है क्या? वाई इक्वल्स टू 2x होगा, वाई बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स एज डी ई इज पैरल टू जी एफ, ठीक है क्या, विथ ई एफ एस ट्रांसवर्सल, ठीक है, ई एफ एस ट्रांसवर्सल। ये इसका रीज़न लिख लिया हमने। उसके बाद अपने पास ये भी एक प्रॉपर्टी है कि ये वाला जो एंगल हुआ अपना, ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है क्या? ये जो टू आई है ये एक्सटीरियर एंगल है इन दोनों एंगल्स के लिए, इसके लिए और इसके लिए, ठीक है क्या? भाई इस ट्रायंगल को अगर तुम कंसीडर करो, अपने पास जैसे ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है क्या, ये डी ई एफ अगर अपने पास ट्रायंगल है, तो उसमें जो ये टू आई हुआ, ये जो टू आई हुआ ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा ये दोनों एंगल्स के लिए, ठीक है क्या? तो इस वाले रिलेशनशिप को लिख लेते हैं अपन। ये हो गया अपने पास इक्वेशन वन, ठीक है क्या? अब सेकेंड इक्वेशन देख लो, टू आई इक्वल्स टू 2x प्लस एंगल ई डी एफ, ठीक है, 2x प्लस एंगल ई डी एफ, ठीक है क्या? वाई बिकॉज, यहाँ पर रीज़न देना ज़रूरी है, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है क्या, इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ये हो जाता है, दो रिलेशनशिप्स आ गए हमारे पास, दो इक्वेशन है अपने पास। अब इसमें से वाई अगर हम लोग एलिमिनेट कर दें तो अपने को रिक्वायर्ड रिलेशनशिप मिल जाएगा जो एंगल्स का हम लोगों को चाहिए, पहला वाला। तो इसमें देखो तुम, ये वाले रिलेशनशिप को देखो, टू आई तुम्हारे पास दे रखा है 2x प्लस एंगल ई डी एफ है, ठीक है क्या? इसका मतलब ई डी एफ एंगल ई डी एफ वो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, टू आई माइनस 2x, ठीक है क्या? ये कितना हो गया, टू आई माइनस 2x को तुम कितना लिख सकते हो, वाई, ठीक है क्या? फर्स्ट इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन है अपने पास, तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी, वाई, ठीक है क्या? ये हो गया तुम्हारा वाई। अब वाई को तुम कितना लिख सकते हो भाई, 2x है तुम्हारे पास, ठीक है क्या? ये हो गया 2x, ठीक है। तो इसका मतलब x कितना हो गया तुम्हारे पास, हाफ ऑफ एंगल ई डी एफ, ठीक है क्या? और x एक्चुअल में यही वाला एंगल है, ये वाला एंगल x है, ठीक है क्या, डी ई जी। इसका मतलब एंगल डी ई जी इक्वल्स टू एंगल ई डी एफ हो गया, ठीक है। यही पहला रिलेशनशिप है जो हम लोगों को, हाफ ऑफ ई डी एफ, ठीक है क्या, यही पहला रिलेशनशिप है जो अपने को प्रूफ करना था, ठीक है। इसके बाद दूसरा रिलेशनशिप देखें जो अपने को चाहिए, ई एफ इक्वल्स टू एफ जी, ये चीज़ शो करनी है अपने को। जो ये वाली साइड है ई एफ, ये वाली जो साइड है इक्वल्स टू एफ जी, ये वाली साइड के इक्वल शो करना है अपने को, ठीक है। तो इसमें देखो तुम, जो ई एफ है और एफ जी है ये मैं इक्वल शो कर सकता हूँ अगर मैंने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर अगर करके दिखा दिया, तो ये ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा कि ई एफ मस्ट बी इक्वल टू एफ जी, बिकॉज साइड्स इक्वल टू अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है क्या? तो तुम ये चीज़ देखो, ये वाली लाइन देखो, ये लाइन देखो और ये लाइन देखो, ये दोनों पैरेलल है और ये देखो ट्रांसवर्सल, ठीक है क्या? तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल्स हुए, ठीक है क्या? और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर है, तो इसीलिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर रहेंगे, ठीक है क्या? इन चीज़ों को लिख लेते हैं।
भाई फॉर एंगल डी ई जी, ठीक है, विल बी इक्वल टू एंगल ई जी एफ, ठीक है, ये हो गई इक्वेशन वन। वाई? बिकॉज ई जी नहीं, ई डी, ई डी इज पैरेलल टू जी एफ विथ ई जी एस ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लिखना भी अच्छा है, अगर तुम लिख दो तो क्लैरिटी अच्छी रहती है, ठीक है। ये हो गया अपने पास पैरेलल रिलेशनशिप। और दूसरी ये बात कि जी ई एफ, डी ई जी बराबर जी ई एफ, ये भी है, ये तो गिवन ही है मेरे को, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन से ये चीज़ निकल कर सामने आती है कि एंगल ई जी एफ ये किसके बराबर रहेगा, तुम्हारा जी ई एफ के बराबर रहेगा, ठीक है। ये फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू ये चीज़ निकल कर सामने आ जाती है। अब तुम देखो, इन ट्रायंगल ई जी एफ, ठीक है, ई जी एफ वाले ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल हो गए, तो दो एंगल्स अगर इक्वल है तो उनके अपोजिट वाली साइड्स भी इक्वल ही होंगी, ठीक है। सिंस एंगल ई जी एफ इक्वल्स टू एंगल जी ई एफ, देयर फॉर ई एफ इक्वल्स टू एफ जी। रीजन यहां पर लिख देना, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ठीक है, ये सॉल्व हो जाता है फिर तुम्हारा, यही आंसर है, ठीक है, तो दोनों पार्ट सॉल्व हो जाते हैं। ओके।